अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे से, मज़े में और हैप्पी शैप्पी होंगे। तो हम जा रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जो दिखाए जाने वाला गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पुरानी वाली, तो वहाँ हम जा रहे हैं। और इसका लोकेशन मैं आपको दे रही हूँ, ये मुंबई खार में है। और हम जा रहे हैं रिक्शा में, जिस तरह जेठालाल भी जाता है रिक्शे में, तो हम भी उसी तरह जा रहे हैं रिक्शे में। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं, तो ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, बस नाम अभी फ़िलहाल चेंज हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर शूटिंग नहीं होती है। तो पर यहाँ पर काफ़ी एपिसोड्स यहाँ पर बनाए गए हैं, इस दुकान में, इस शॉप में शूटिंग हुई है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये शॉप, और ऊपर बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। और आपको कोशिश करूंगी कि स्क्रीन पे भी वो बिल्डिंग मैं आपको दिखाऊं, जब पहले कैसी थी और अभी कैसी है। और ये वो गली है जहां से जेठालाल हमेशा आते हैं और यहां से जाते हैं। तो ये भी आप गली देख रहे होंगे, आप हमेशा सुनते होंगे कि पीछे गोडाउन है, गोडाउन है, लेकिन कोई गोडाउन नहीं है, पीछे लोगों के घर है, बस वो ऐसे ही बोलते थे। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो देखिए स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि जेठालाल किस तरीके से अंदर आते हैं, तो हम उसी तरीके से हम अंदर जा रहे हैं। सेम टू सेम वही शॉप है, वही काउंटर है, वही अभी तक के सब लिखा गया है। तो देखिए पहले जो एपिसोड्स यहाँ पर हुए हैं पुरानी शॉप में, तो ये वो शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप। तो देखिए हूबहू वही सब कुछ है, अभी भी कुछ चेंजेस नहीं आए हुए हैं, लेकिन बस सामाने बिखरे पड़े हैं। जब शूटिंग होती है तो सब साफ वगैरह कर देते हैं। तो देखिए ये है एक काउंटर जो हम हमेशा से देखते हुए आए हैं पुराने एपिसोड्स में, और यहाँ पर जेठालाल जी यहाँ पर खड़े होते हैं, और इनका जो काउंटर है ये मोबाइल का पूरा यहाँ पर रखा गया है। और मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम देख रहे हैं, बहुत शौक़ से देखते हुए आ रहे हैं। और इस शॉप को तो हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं इस एपिसोड्स में, इस काउंटर को हम देख चुके हैं काफ़ी सारे एपिसोड्स में। तो देखिए ये वही शॉप है जिसे हम हमेशा एपिसोड्स में, सीरियल में देखा करते थे, और अभी हम रियल में देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये नट्टू काका की कुर्सी है, जहाँ पर नट्टू काका हमेशा बैठते थे और काम वगैरह करते थे। तो कुर्सी आपको वही सेम टू सेम दिखाई दे रही है, बस जो पीछे का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन कुर्सी अभी तक के वही रखी हुई है जिसमें नट्टू काका बैठा करते थे और अपना काम वगैरह करते थे। तो कुर्सी वही सेम टू सेम है। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है इस शॉप में हम लोगों को आकर, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इस एपिसोड्स को देख रहे हैं, इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है कि इस शॉप को हम हमेशा सीरियल में देखा करते थे और अभी हम रियल में देख रहे हैं। तो अभी तक के काफ़ी लोग आ रहे थे, फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको वही चीज़ दिखा सकूँ, वही जगह दिखा सकूँ जो हमेशा हम एपिसोड्स में, सीरियल में देखते हैं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप इतनी मशहूर है कि काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, और हम भी दुबई से आए हैं मुंबई ताकि हम ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप को देख सके और आप लोगों को भी हम दिखा सके। और ये नहीं कि सिर्फ एपिसोड्स में ही दिखाया जाता है ये दुकान, नहीं, ये वाकई में ये दुकान है, और बेचते हैं ये सारी चीज़ें, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह, सब चीज़ें यहाँ पर बिकती है, लोग आते हैं ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर वाकई में ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। तो देखिए मुझे तो इसके फ्रिज काफ़ी पसंद आए, काफ़ी अच्छे हैं, नए नए मॉडल के आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन मैं तो आई हूँ सिर्फ ये देखने के लिए, इसकी शॉप देखने के लिए जो हम हमेशा सीरियल में देखा करते थे। तो देखिए ये वही शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जो इसमें काफ़ी सारे एपिसोड्स यहाँ पर बनाए गए हैं, काफ़ी सारी शूटिंग इस शॉप में हुई है। तो देखिए ये वो शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत सी, छोटी सी है लेकिन अच्छी है।
हमें भी काफ़ी खुशी हुई, दिल को तसल्ली हुई, आखिरकार हमने ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप को देख लिए। और अगर आप लोग भी आना चाहें तो आप लोग भी आए, यहाँ के स्टाफ वाकई में बहुत अच्छे हैं। हमें तो अच्छे से हमें बोल रहे थे आप निकालो, वीडियो निकालो, और काफ़ी लोग भी आ रहे थे, वो भी फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, वीडियो वगैरह निकाल रहे थे। तो अगर आप भी आना चाहें तो ज़रूर आएँ और इस शॉप को ज़रूर देखें। और ये बाहर कारपेट अभी तक के बिछाया गया है जो अब हमेशा अब हम देखते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस शॉप को देखकर। तो देखिए वही सेम टू सेम वही सब कुछ है, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं वाकई में यहाँ पर आई हुई हूँ। और हमने यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटो भी खींची जैसे कि अभी आप देख रहे हो। चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और ये वाला व्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा, आप इंजॉय किए होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, मा सलामा इला लिका।